friends, I am Rahul and welcome to the ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. कैसे आप लोग? I hope आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे. और आज की क्लास में हम 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? 5 मिनट इंग्लिश पढ़ेंगे. प्रोवर्ब्स. क्या पढ़ेंगे? प्रोवर्ब्स. अगर हिंदी में बोले तो कहावत. हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कहावत, जो कि हम जनरली तौर पर हम यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं स्पोकन में, हिंदी में, ठीक है, किसी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम कहावतों का यूज़ कर सकते हैं, मुहावरे का एक प्रकार से हम यूज़ करते हैं. तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे प्रोवर्ब्स. तो प्रोवर्ब्स की एक क्लास जो 5 मैंने प्रोवर्ब्स बताई थी, 3-4 प्रोवर्ब्स बताई थी, वह मैंने उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है. तो ऐसा ही हम दो पांच बार दस दस करके हम प्रोवर्ब्स धीरे धीरे जानेंगे. और धीरे धीरे मैं आपको जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं, जितनी भी प्रोवर्ब्स मतलब जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं हम, वो हम सारी की सारी प्रोवर्ब्स हम बताएंगे, ठीक है. सारी की सारी प्रोवर्ब्स हम 5 मिनट की इंग्लिश में हम खत्म करेंगे धीरे धीरे करके. तो आज की प्रोवर्ब्स बहुत शानदार है, ठीक है. इन प्रोवर्ब्स को आपको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो यह धीरे धीरे करके आप भूल जाओगे और जल्दी भूल जाओगे. तो प्रोवर्ब्स को याद करना नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप प्रैक्टिस करोगे, लिख लो वैसे, और याद मतलब प्रैक्टिस करो, स्पीकिंग में बोलने का प्रयास करो. अगर आप स्पीकिंग में बोलोगे तो आपको 100% प्रोवर्ब्स याद हो जाएंगी. आपको ये इसको ज़्यादा वैसा याद नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है. चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोवर्ब्स को. तो फर्स्ट प्रोवर्ब है क्या? जैसा आया वैसा गया. सुना होगा जैसा आया वैसा गया. अगर हम पैसे की बात करें तो कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है या गलत तरीके से पैसा मिल गया तो वो वैसे होता है. अगर किसी का पैसा जुआ, कोई पैसा जुए में पैसा जीतता है कोई, तो उसका जो पैसा होता है वो अच्छे काम में खर्च नहीं होता. उसके वो पैसा वो गलत काम में खर्च होता है. दारू में करते हैं ना, तो मतलब कोई बांस लेता है, कोई मतलब नारकोटिक्स चीज़ें रहती, गलत कामों में पैसा खर्च होता है. तो हम बोलते हैं ना जैसा आया वैसा गया. जैसा आया वैसा गया मतलब क्या होगा? ईवल गॉटन ईवल स्पेंट. ईवल गॉटन ईवल स्पेंट. जैसा आया वैसा गया. अगर आप पैसा अगर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पैसा मेहनत से कमाओगे, अगर मेहनत से आप 100 रुपये भी कमा रहे हो तो आपको क्या उसके एहसास होगा कि यस मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, तो आप पैसा खर्च नहीं करोगे. अगर पैसा आ गया आ जाए बिना मेहनत का कोई चीज़ आ जाए तो खर्च हो जाता है. तो हम बोलते हैं जैसा आया वैसा गया. गलत पैसा आया था, गलत चीज़ आई थी, तो वैसे ही चला, गलत काम में चले गई. मतलब गुड सॉरी ईवल गॉटन और ईवल स्पेंट. ईवल गॉटन ईवल स्पेंट, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट प्रोवर्ब्स आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई. सुना होगा ना चोर चोर मौसेरे भाई. सुना है ना चोर चोर मौसेरे भाई. आई होप आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई. क्या होगा? चोर चोर मौसेरे भाई मतलब कि आपने चुनाव वगैरह देखा होगा. देखा है ना चुनाव होते हैं तो दोनों पक्ष रहते हैं, ठीक है. तो कोई बोलता है कि ये तो दोनों एक से मतलब चोर चोर मौसेरे भाई. चोर चोर मौसेरे भाई मतलब हम बोलते हैं इसकी प्रोवर्ब से कहावत है. इंग्लिश में कहावत क्या बोलते हैं? लाइक ड्रॉस लाइक चोर चोर मौसेरे भाई. ये तो वो कहावत राइम्स में ना, लाइक ड्रॉस लाइक चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है. तो यह सेकंड प्रोवर्ब्स थी. आई होप आपको याद हो जाएगा. ईजी है, आसान है, आप आसानी से इसको याद कर आसानी से आपको हेल्पफुल कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट आपने सुना होगा कि आप भले तो जग भला. आप भले तो जग भला. आप भले हो तो जग भला है, ठीक है. आप भले तो जग भला. तो हम बोलते हैं ना कि आप अच्छे हो तो जग अच्छा है. समझ रहे हैं ना? तो हमें अच्छा होना चाहिए, जग अपने आप अच्छा हो जाएगा. जैसे कि हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं जैसे कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति अगर कोई उस पर भाषण दे, किस पर? नशा मुक्ति अभियान पर, तो बोलेंगे कि आप भले तो जग भला. आप अच्छे नहीं हो तो आप एक कर नहीं सकते हो, ठीक है. तो गुड माइंड गुड फाइंड. गुड माइंड गुड फाइंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स क्या है? गुड माइंड गुड फाइंड. आप भले तो जग भला, ठीक है. आप भले तो जग भला हम बोलते हैं, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट है. नेक्स्ट प्रोवर्ब से आपने सुना होगा काफ़ी करके इसको सुना होगा. नेक्स्ट प्रोवर्ब, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. जो गरजते हैं वो कभी क्या नहीं करते? बरसते नहीं है. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. सुना होगा कि जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा
क्या बात करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा, वो करेगा, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं थे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वार्किंग रॉक्स सेल्डम वाइट, बोल देना क्या, वार्किंग रॉक्स सेल्डम वाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, कभी कभी काटते हैं, तो जो गरजते हैं जो बरसते नहीं, वार्किंग रॉक्स सेल्डम वाइट, वार्किंग डॉग्स सेलम वाइट हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आज की लास्ट है जो आपने सुना होगा आसानी से, कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला है तो सब भला है। ठीक है, जैसे कि कोई घटना हो जाती है, घटना हो जाती है ना, तो अगर उसका अंत अच्छा हो गया तो सब होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि परसों मैं किसी को पैसे मतलब ट्रांसफ़र कर रहा था, तो गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चले गए। ठीक है, तब बहुत परेशान हुई, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी वो पैसे वापस आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, क्या अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला, अंत भला है तो क्या सब भला है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश प्रोवर्ब्स होती है, इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं ऑल्स वेल डैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल डैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, अगर अंत भला है तो क्या सब भला है। ठीक है, तो ये आज की प्रोवर्ब्स थी, आपकी प्रोवर्ब्स कैसी लगी, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है, इसको इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखना, ताकि इसको और अच्छे से आपको रिमेम्बर हो सके तो नोट कर लेना। ठीक है, तो आज की प्रोवर्ब्स थी, आई होप यूजफुल रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।